बंद कर दिए क्या किन कारणों से हत्या की? पहले से इन लोगों का की दुश्मनी चल रही थी और जो वादी पक्ष के लोग बता रहे हैं पूर्व में इसमें से एक अभियुक्त जो है वो शराब के साथ पकड़ा गया था और जेल गया था, तो संभवतः इन लोगों को ये शक था कि इन लोग गुड़ लगातार नहीं समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी खबर के हेडलाइन बड़ा खबर आ रहा बटुए चौकीदार के बेटा के हत्या मामला में पकड़ा गए 6 अपराधी दोनों बेटा के मारे के रहे प्लानिंग एगो बेटा दूगो पोता के यानी दूगो नाती के मारल गई गोली खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार फेसबुक पेज पर बानी तो फॉलो कर ली चैनल पर बानी तो सब्सक्राइब कर ली ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिले तो खबर विस्तार से जान ली। बक्सर के देवढ़िया गाँव में चौकीदार बिरजा पासवान के बड़ बेटा टुनटुन पासवान जेकर उम्र 35 बरिस रहे गोली मार के मुआ दियल गुल रहे एहमे पुलिस 6 लोग के गिरफ्तार कैले बिया इनका भीड़ से एगो देसी पिस्टल एगो देसी काटा 315 बोर के एगो जिंदा कारतूस बरामद कैले बिया। इस संबंध में बक्सर एसपी जानकारी देत बतैनी कि लोग के पहले से भी विवाद रहे पीड़ित परिवार के द्वारा दर्ज FIR में बतावल गई रहे कि लोग के शक रहे कि शराब बेचे के सूचना चौकीदार के द्वारा थाना के दिहल जा रहल बा जेकरा के लेके खार खाइल अपराधी 29 जून के रात 11 बजे चौकीदार के दरवाजा खटखटैलन दरवाजा जैसे ही बड़ बेटा खोलन 4-5 राउंड गोली मारल गई जौना में 2 गोली चौकीदार के बड़ बेटा टुनटुन पासवान के लगला पर मौका पे ही मौत हो गई। ये टुनटुन पासवान हमन फोटो रोरा देख सकीला टुनटुन के दोनों बेटा के एक गोली लगल जौन इलाजरत बाड़े SP मनीष कुमार के द्वारा बतावल गई कि पूछताछ में पकड़ल गई अपराधी अपन अपराध स्वीकार कर ले बाड़े साथे साथ ये भी बतैले बड़न कि चौकीदार के दोनों बेटा मृतक टुनटुन पासवान आ छोट बेटा शशि पासवान जौन कि थाना के गाड़ी चलावे के काम करता रहन उनका के मारे के प्लानिंग रहे लेकिन संयोग से वो समय चौकीदार के छोट बेटा सामने ना आई वो जे टुनटुन पासवान के दरवाजा से खींच के गोली मार दिहल गई गोली चलावत भागे के दौरान चौकीदार के 2 पोता के भी गोली लग गई गोली मार के हत्या मामले में मृतक टुनटुन पासवान के पत्नी सुनीता देवी के फर्द बयान पर 8 लोग पे नामजद FIR दर्ज कैल गई जौना में रामाशीष राम दीपक राम अखिलेश राम लालजी राम अजय उर्फ उपेंद्र राम उमेश पासवान नीतीश राम ओम प्रकाश राम सब गांव देवढ़िया के निवासी हवन ये लोग पे आरोप रहे कि शक बा कि ये लोग यह तरीका के घटना के अंजाम दिले बड़े जौना में हमार पति के मौत हो गई बटुए। शनिचर के साझी खा मीडिया से वार्ता के दौरान SP मनीष कुमार जानकारी देत बतैनी कि घटना के गंभीरता से लेते एगो टीम गठित कैल गई तुरंत कार्रवाई करत घटना में शामिल 6 लोग के गिरफ्तार कर लिहल गई इनका भीड़ से घटनास्थल पर इस्तेमाल कैल गए हथियार एगो पिस्टल एगो काटा एगो गोली बरामद कैल गई बा एमे अखिलेश राम नीतीश राम पिता रामाशीष राम पिता स्वर्गीय मुसाफिर राम अजय उर्फ उपेंद्र राम पिता राजेंद्र राम ओम प्रकाश राम उर्फ नारायण राम पिता सुदर्शन राम लालजी राम पिता विनोद राम के गिरफ्तार क लिहल गई बटुए। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के बयान सुनाबे जा रहल बा लेकिन भोजपुरिया समाचार बता देव कि पहले ही भोजपुरिया समाचार आगाह कैले रहे कि कहीं ना कहीं शराब के सूचना के लेके हत्या के अंजाम दिहल गई बटुए। पहले ही भोजपुरिया समाचार बता चुकल रहे कि मारे के प्लानिंग जौन बटुए जौन ड्राइवर बने थाना के प्राइवेट उनको के मारे के प्लानिंग रहे भोजपुरिया समाचार पहले ही जानकारी सूत्र के अनुसार दे दिले रहे जौन कि अब सटीक बैठल SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बतैनी सुनी आ शेयर करी धन्यवाद। ये बड़ा खुलासा हुआ परसों रात्रि में लगभग 11 बजे राजपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई उसके 2 लड़कों को 2 बच्चों को गोली लगी। ये व्यक्ति चौकीदार का बेटा है इसकी हत्या हुई है। तत्काल हमने एक टीम बनाई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया 48 घंटे के अंदर ये और इसमें हत्या में प्रयुक्त 2 आपके वेपन जो है वो रिकवर कर दिए गए हैं। किन कारणों से हत्या की? पहले से इन लोगों का की दुश्मनी चल रही थी और जो वादी पक्ष के लोग बता रहे हैं पूर्व में इसमें से एक अभियुक्त जो है वो शराब के साथ पकड़ा गया था और जेल गया था, तो संभवतः इन लोगों को ये शक था कि इन लोगों के द्वारा मैसेज पास ऑन किया गया है। अभी वादी पक्ष द्वारा यही बताया गया है और यही बात
ऐसा संभव लग रहा है कि इसी वजह से घटना की। सर आपके साथ कौन पकड़ा था सर? इसमें एक नीतीश कुमार करके अभियुक्त हैं, वो पकड़ा गया। अपराधी के इतिहास कुछ एक व्यक्ति है नीतीश कुमार जिसका आपराधिक इतिहास मिला है, बाकियों का हम लोग देख रहे हैं। कितने की संख्या में इस घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी? टोटल 8 लोग थे इसमें, 8 में 6 की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों का देख रहे हैं। ठीक।